श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे श्रीयंत्र का आध्यात्मिक स्वरूप। देखिए, अगर पूर्ण विधान से श्रीयंत्र का पूजन जो एक बार कर ले वह दिव्य देहधारी हो जाता है। दत्तात्रेय ऋषि एवं दुर्वासा ऋषि ने भी श्रीयंत्र को मुच्छ दत्ता माना है। इसका मुख्य कारण है कि मनुष्य शरीर की भांति श्रीयंत्र में भी 9 चक्र होते हैं। पहला चक्र मनुष्य शरीर में मूलाधार चक्र होता है। शरीर में ये रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे के भाग में गुदा और लिंग के मध्य में होता है। श्री यंत्र में यह अष्टदल होता है। यह रक्त वर्ण पृथ्वी तत्व का घोतक है। इसके देव ब्रह्मा हैं और ये लिंग स्थान के सामने है। श्री यंत्र में इसकी स्थिति चतुर्दशार चक्र में बनी होती है। चतुर्दशार चक्र क्या होता है? यह जल तत्व का घोतक है। इसके देव विष्णु भगवान है। तीसरा चक्र मेरुदंड के अंदर होता है। यह दश दल का होता है। श्रीयंत्र में यह त्रिकोण और अग्नि तत्व का घोतक होता है। यंत्र के देव बुद्ध रुद्र माने गए हैं। चौथा चक्र अनाहत चक्र होता है। तो मनुष्य शरीर में यह हृदय के सामने होता है। यह द्वादश दल का है। श्री यंत्र में यह अंत दशार चक्र कहा जाता है। यह वायु तत्व का घोतक माना जाता है। इसके देव ईशान रुद्र माने गए हैं। तो पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र होता है। मनुष्य शरीर में यह कंठ में होता है। यह 16 दल का है। श्री यंत्र में यह अष्टकोण होता है। यह आकाश तत्व का घोतक माना गया है। इसके देव भगवान शिव माने जाते हैं। छठा चक्र आज्ञा चक्र होता है। मनुष्य शरीर में यह मेरुदंड के अंदर ब्रह्म नाड़ी में माना गया है। यह 2 दलों का है। श्री यंत्र में इसकी स्थिति बिंदु की मानी जाती है। सातवां चक्र इंद्र योनि, जो शरीर में लंबिका स्थान और श्री यंत्र में त्रिकोण रूप में है। आठवां कुल चक्र और नवम अकुल चक्र माना जाता है। श्री यंत्र में यह नुपुर के रूप में अंकित होता है। श्री यंत्र के पूजन और से जागृत करते समय 10 मुद्राएं होती हैं। इनमें संक्षोभिनी मुद्रा, द्रावणी मुद्रा, आकर्षिणी मुद्रा, वशे उन्माद मुद्रा, महाज्ञसा मुद्रा, खेचरी मुद्रा, बीज मुद्रा, योनि मुद्रा और त्रिखंडा मुद्रा है। तो मुद्रा के प्रयोग का एक कारण है कि मुद्राओं से सभी नाड़ियों से प्राण कर सहज गति से प्रवेश, वीर्य की स्थिरता, कसायों और जातकों का पाश, सर्व रोगों का उपशमन, जठराग्नि की वृद्धि, शरीर की निर्मल कांति, जरा का नाश, पंच तत्वों पर विजय और नाना प्रकार की योग सिद्धियों की प्राप्ति इनका मुख्य कारण माना गया है। कुंडलिनी शक्ति का उद्बोधन मुद्राभ्यास से ब्रह्मद्वार या सुषुम्ना मुख से निद्रिता कुल कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर की ओर उठने का कार्य मुद्राओं से होता है। इसी कारण श्री यंत्र को जागृत करने में खिचड़ी मुद्रा को इस्तेमाल किया जाता है। दत्त ऋषि ने चिमदग्नि पुत्र परशुराम जी से कहा कि यंत्र के पूजन से लाख गुना फल अधिक होता है। इसी कारण यंत्रों को विशेष स्थान प्राप्त है। साथ ही श्री विद्या को 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ केवल मोक्ष प्रदान करने के कारण ही माना गया है। इसी कारण श्री यंत्र को यंत्र राज की उपाधि दी गई है। इस विद्या को अति गोपनीय रखा गया है और बिना पात्रता के श्री विद्या की दीक्षा नहीं दी जाती है। यही कारण है कि श्री यंत्र को जागृत करने वाले विद्वान बहुत कम हैं। यदि आम जन श्री यंत्र विद्या को जागृत कर लें तो फिर कमाल ही हो जाएगा। यदि आम जन श्रीयंत्र विद्या के साधक को साधक के रूप में पहचान ले तो वह समय उनके मृत्यु का माना जाता है, क्योंकि आम जन के जानने से उसे यश प्राप्त होता है जो मोक्ष और सिद्धि में बाधक है। श्रीयंत्र में उदोमुखी 5 त्रिकोण, 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 तन्मात्रा और 5 मायाभूतों का प्रतीक है। मनुष्य शरीर में यह अस्थि, मेदा, मांस, अवृक और त्वक के रूप में विद्वान है।
चार त्रिकोण शरीर में प्राण, शुक्र, मज्जा जीने के घोतक हैं और ब्रह्मांड में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के प्रतीक हैं। श्री यंत्र में त्रिकोण, अष्टकोण, अंतर्दशार, बहिर्दशार और चतुर्सव, ये पांच शक्ति चक्र होते हैं और बिंदु, अष्टदल, षोडश दल और चतुर्सहस्त्र, ये चार शिव चक्र होते हैं। श्री यंत्र में कुल 43 त्रिकोण होते हैं। ये त्रिकोणों के मंथन और योग से बने षटकोण यंत्र हैं। तो ये हमने आपको बताया श्री यंत्र का आध्यात्मिक स्वरूप। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।